छिंदवाड़ा के पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं और आज मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज आपने साबित कर दिया कि आप इस देश के नंबर वन किसान हैं। और सुन लो भाजपा वालों, जो आप कहते थे किसान के बेटे, असली किसान आज हमारे बीच में आदरणीय कमलनाथ जी, जिस बात को दुनिया ने माना है और हिंदुस्तान ने माना है कि हिंदुस्तान में छिंदवाड़ा, अगर मक्का कहां से पैदा होता है, खेत से, और जिस जिले में अगर नंबर वन है तो वहां, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपने बता दिया कि आप नंबर वन किसान हैं, आदरणीय हमारे सुख दुख के साथी और किसानों के दुख दर्द में खड़े रहने वाले हमारे प्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी। और मैं एक नया भविष्य के रूप में जो छिंदवाड़ा को गढ़ने के लिए अपना ऊर्जा देने वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय सचिन यादव जी, कृषि मंत्री आदरणीय पानसे जी, पीएचई मंत्री आदरणीय भैया दीपक सक्सेना जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय सभी विधायकगण और गांव गांव से आए हुए हमारे सभी साथीगण, भाइयों देखो ये बात समझने की बात है कि आज माननीय कमलनाथ जी ने जो अपना वास्तविक छिंदवाड़ा की धरती का मूल्यांकन पूरे विश्व में किया है, मैं तो माननीय कमलनाथ जी आपका उन तमाम हमारे आदिवासी भाइयों की तरफ से, किसानों की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं जिसके लिए आपने यहां पर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, हम लोग सोचते हैं, राजनीति करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, पर हम लोगों को लगता है कि भगवान जब अगली बार जन्म देना तो छिंदवाड़ा की धरती में जन्म देना, क्योंकि कमलनाथ जी वहीं राजनीति कर, क्योंकि आपका संरक्षण मिलता है, विकास के लिए मिलता है, प्रगति के लिए मिलता है, और आपने छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाने के साथ आपने मध्य प्रदेश और देश के तरक्की पर आपने मौके पर साथ दिया है। आज मक्के की खेती के साथ आपने छिंदवाड़ा को हर क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों में रखा है। भाइयों एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आदिवासी हूं, मेरे को लगता था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, नागर जोताई करते हैं, खेती करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो बड़ा काम करना पड़ता है। मेरे अकल ठिकाना तब लगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया और जब मंत्रालय में काम शुरू किए तो एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पांच घंटा, जब 14 और 18 घंटा माननीय सीएम साहब काम करने लगे तो हम बैठ गए लुसने, हम कहे भैया आज इस उम्र में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री इतना समय और काम नहीं करते जितना आदरणीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि प्रगति के रास्ते पर छिंदवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। मैं तो माननीय कमलनाथ जी के विषय में, और ये भाजपा वाले कहते होंगे कि मंत्री जी बड़ाई कर रहा है, जरा सुन लो भाजपा वाले, एक नंबर के फर्जी और असत्य बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लबरा, आपका काम था कि किसान को बहकाने का काम, अरे असली किसान तो माननीय कमलनाथ जी है जिनने आते ही मध्य प्रदेश की खाली खजाना पर कहां कहां से जुगाड़ करके पूरे किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अब हमारे किसानों के कर्जा माफ के साथ हमारे गरीब भाइयों के विकास के लिए खजाना खोल दिया, आज नौजवानों के लिए खजाना खोल दिया, आज वृद्ध वालों को 300 से 600 रुपया देने के, साधारण नहीं है रुपया निकाल करके देना, वो तो माननीय कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता के कारण ही रुपया मिल रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल कर दिया था। और एक तरफ ये देश के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति एक नंबर का कायर है जिसने पैसा देना बंद कर दिया है, कौन है जानते हो ना, उसके नाम लेना बेकार होता है, अशुद्ध हो जाता है, वो पैसा देना बंद कर दिया, पर कमलनाथ जी प्रगति के पथ पर मध्य प्रदेश को खड़ा करने के लिए
पूरा पैसा दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप सब लोगों के बीच में एक नारा हम लगा करके अपने शब्द को विराम देंगे, सुख दुख में हमेशा हमारा साथ है, तो आप बोलना कमलनाथ है, कमलनाथ है। सुख दुख में हमेशा हमारा साथ है। माननीय कमलनाथ जी के सानिध्य में प्रगति पे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की धरती पर, भाइयों छिंदवाड़ा के जो गांव गांव से लोग आए हैं, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं, ये भाजपा के लोगों को जवाब देना, ये बहुत यहां वहां जाकर के तरह तरह की बात करते हैं, हम तो आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाजपा के जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे अपने जिला का रिपोर्ट दे, और आज मक्का के उत्पादन में छिंदवाड़ा की रिपोर्ट देख ले। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, वैज्ञानिक कभी वैज्ञानिक मानते कि नहीं है, वैज्ञानिक नाम ही इनका है कि जो सही है उसी को मानते हैं, और अगर वैज्ञानिकों ने मान लिया है तो मान जाओ भाजपाइयों, कमलनाथ सबका साथ, यह मध्य प्रदेश का विकास प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जय जय कमलनाथ।